The story of Mary Ingles, a 23 years old married and pregnant woman who was captured by Red Indians and who later walked the 1,000 miles on foot to come back home. Hello friends, मैं हूँ गौरव और आज इस वीडियो के शुरुआत में ही मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ जिसका आप मुझे बिल्कुल सच सच जवाब देना। मुझे ये बताइए कि अगर कोई आपको अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए चलने पर मजबूर करे तो आप कितने किलोमीटर चल पाएंगे? 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर? और इतना ही नहीं, इसके साथ ये भी शर्त हो कि आपको उस रास्ते पर भूखे पेट और नंगे पांव चलना पड़े तो कितने किलोमीटर चल पाएंगे आप? और अगर ये सब बुरा नहीं है तो साथ में आपके एक ऐसा साथी हो जो हर कदम पर झिकझिक करे कि हमें ये सफर तुम्हारी वजह से करना पड़ रहा है, तो आप क्या करोगे? आप इमेजिन कर सकते हो कि वो सिचुएशन कैसा होगा। मगर एक महिला ने ऐसा सफर एक्चुअली तय किया है अपने घर वापस लौटने की आस में, और उन्होंने 10 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, बल्कि पूरे 965 किलोमीटर का सफर पूरा किया है नंगे पांव और खाली पेट चलकर, सिर्फ एक दिन घर पहुंच पाने के उम्मीद में। और फ्रेंड्स, ये एक सच्ची घटना है जो घटी थी मैरी ट्रेपर इंगल्स के साथ, और इन्हीं का एडवेंचर आज के ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिसमें आप इमोशन से भरे एक रोलर कोस्टर में चलने वाले हो और आप बस सोच ही पाओगे कि उनके जगह पर अगर आप होते तो आप कैसा महसूस करते। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फ्रेंड्स, लेट अस गेट स्टार्टेड विद माय न्यू वीडियो। आप सब लोगों को पता होगा कि अमेरिका को कोलंबस ने सन 1492 में खोजा था और सन 1607 से लोगों ने यहाँ आकर बसना शुरू कर दिया था और दूर दराज इलाकों में सेटल होने लगी, जहाँ उनका सामना रेड इंडियंस से हुआ। जब वहाँ के नेटिव इंडियंस ने देखा ये गोरे आकर उनके जमीन पर हक जमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनकी कुछ खूंखार ट्राइब्स ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया गोरिल्ला वॉरफेयर के रूप में, छुप छुप कर और उन्हें मार कर हकालने का फैसला किया। ये अटैक 17वीं सदी में पूरे जोरों पर थे और सन 1755 में अमेरिका के एलंगेनी माउंटेन्स के पास न्यू रिवर जॉर्ज में एक ऐसा वाकया हुआ जिसके बारे में आज भी वहाँ के स्कूलों में किताबों में पढ़ाया जाता है। उनमें से सबसे फेमस किताब है फॉलो द रिवर, जो जैसे आप जानते हो एक सच्चे वाकया पर निर्धारित है। इसके लेखक है जेम्स अलेक्जेंडर थॉम, और इस सच्ची कहानी का पता मुझे इन्हीं की किताब पढ़ने के बाद चला। मेरी इंगल्स का जन्म फिलाडेल्फिया में 1731 में हुआ था। उनके माता पिता स्कॉटलैंड और आयरलैंड से आए हुए अप्रवासी थे, जो कि उस जमाने में काफी आम था। नए इमिग्रेंट्स फिलाडेल्फिया आते और आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका के भीतरी इलाकों में जाकर बस जाते कुछ जमीन खरीद कर। इसी तरह मेरी के परिवार ने भी 1748 में वर्जीनिया स्टेट के दूर दराज के वेस्टर्न फ्रंटियर पर जाकर अपना एक साथ कई और भी लोग आए थे और उन्होंने यहाँ मिलकर खेती बाड़ी करना शुरू किया। मेरी के खानदानी नाम इस सेटलमेंट का नाम ड्रेपर्स मेडो रखा गया और कुछ समय बाद मेरी ने अपने एक पड़ोसी विलियम इंगल्स से शादी कर ली और उन्होंने अपना एक अलग घर बसा लिया। 1755 में फ्रांस और ब्रिटिश के बीच जंग छिड़ गई। ये जंग वैसे तो दोनों कॉलोनीज के बीच में थी, लेकिन वहाँ के नेटिव इंडियन इस मतभेड़ के बीच बिना मतलब का फंस गए थे। उन्होंने फ्रांस का साथ देने का फैसला किया और नए आए हुए अंग्रेजों पर हमला करने लगे। उस साल जुलाई के 8 तारीख को रविवार के दिन शॉनी देश के कुछ इंडियन योद्धाओं ने ट्रेपर मेडोस पर हमला किया। इस हमले के बारे में फॉलो द रिवर किताब में इतना डिटेल्ड विवरण किया है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं यहाँ पर सिर्फ एक पैराग्राफ कोट करूंगा, मगर फ्रेंड्स मैं सावधान कर दूं, ये बच्चों के सुनने के लिए सही नहीं भी हो सकता है। उसके कैबिन के बाहर का मंजर देखकर मैरी इतनी तैश में आ गई कि उसे जिंदगी में पहली बार किसी को जान से मार देने का जी किया। कई योद्धा बेटी के रोते चिल्लाते बच्चों के साथ गेंद की तरह खेल रहे थे, उसे एक से दूसरे के हाथों में फेंक रहे थे, जबकि एक दूसरा योद्धा बेटी के बालों को पकड़कर उसे ये नजारा देखने के लिए मजबूर कर रहा था। वो अपने घुटनों के बल बैठी चीख रही थी और उसमें से एक इंडियन ने बच्चे को हवा में उछालने के बाद अपनी तलवार निकाली और उसका सर काट डाला। जब सर जमीन पर गिरा तो दूसरे ने पूछा, क्या हम अब इससे फुटबॉल खेल सकते हैं? ये तो बस बेटी और मेरी की मुश्किलों की शुरुआत थी। इस हमले में शॉनी योद्धाओं ने 3 आदमियों, एक औरत और एक बच्चे की जान ली, और वो औरत थी मेरी की माँ। उसके बाद उन्होंने एक आदमी, 2 औरतों और एक बच्चे को कैद कर लिया, और इस वाकये के 2 अकाउंट्स इतिहास में दर्ज है। इस वाकये में एक में कहा गया है कि उस वक्त मेरी का एक बेटा था और वो प्रेग्नेंट थी, और दूसरे में इस प्रेगनेंसी का कोई जिक्र नहीं, बल्कि ये कहा गया है कि मेरी के 2 बेटे थे जिन्हें उसके साथ ही कैद कर लिया गया था। किताब के लेखक ने स्टोरी को और ड्रामेटिक बनाने के लिए पहली अकाउंट का यूज किया,
जिसमें बताया गया है कि मैरी प्रेग्नेंट थी। हमले के दौरान मैरी के पति और भाई कुछ दूरी पर खेतीबाड़ी में मसरूफ थे और इसलिए वो बच गए। जब वो घर लौटे तो उन्होंने देखा कि पूरी बस्ती जला दी गई थी और उनकी पत्नियों और बच्चे का कहीं निशान नहीं था। किताब के अनुसार इन कैदियों में एक लियोनार्ड नाम का आदमी, मैरी और उसकी भाभी बेटी और मैरी का 4 साल का बेटा थॉमस था और कैदियों को लेकर शॉनी योद्धाओं ने अपने घर लौटने का सफर शुरू किया पैदल उस जगह के और जो स्थित है आज के ओहायो के चिली कॉटी एरिया में। शॉनी योद्धा रेड इंडियंस के सबसे खतरनाक योद्धाओं में से माने जाते थे और इनके आगे गिड़गिड़ाना और रहम की भीख मांगना फायदेमंद साबित नहीं होता था। कैदी किसी चीज की शिकायत भी नहीं कर सकते थे वरना ये योद्धा उन्हें वहीं जान से मारकर आगे निकल जाते थे। किताब में बताया गया है कि ऐसे कठिन सफर के दौरान मीलों दूर तक पैदल चलते हुए बीच रास्ते में ही मैरी ने एक लड़के को जन्म दिया। इन खूंखार वॉरियर्स ने उसे एक घंटे के लिए भी आराम करने नहीं दिया और जन्म देने के बाद ही उसे कई मीलों तक चलने पर मजबूर किया। मगर इस दौरान इतनी कठिनाइयों में भी मैरी कभी हिम्मत नहीं हारी और उसके इसी हौसले को देखकर शॉनी योद्धा उसकी इज्जत करने पर मजबूर हो गए। कई दिनों और करीब 500 या 600 माइल्स का सफर तय करने के बाद ये छोटा सा कारवान रेड इंडियंस की बस्ती में आ पहुंचा, जहां उन्हें कई और मुसीबतों का सामना करना पड़ा। उन्हें एक कूठे से बांधकर रखा गया और कुछ भी खाने को नहीं दिया गया और भूखा रखा गया और फिर उन्हें लूट कर माल की तरह रेड इंडियंस को बेच दिया गया गुलाम के रूप में। मैरी के दोनों बच्चे और बेटी सब मैरी से बिछड़ गए और वो अकेली रह गई थी। उसे भी एक फ्रेंच कारोबारी को बेच दिया गया जो उसका फायदा उठाना चाहता था। लेकिन इस बेइज्जती को झेलने से पहले मैरी ने वहां से भाग निकलने का फैसला कर लिया। अक्टूबर तक मैरी और उसके साथ कैद की गई एक पूरी डच औरत ने भागने की पूरी प्लानिंग कर ली थी और मिड अक्टूबर में वो फ्रेंच ट्रेडर उन्हें नमक बनाने के लिए बस्ती से दूर ले गया, जहां ये दोनों औरतें बगैर किसी खाने की सामग्री, कपड़े, चप्पल, मैप्स या सामान के छुपके से भाग निकले। घर तक वापस जाने का रास्ता मैरी को ठीक से याद तो नहीं था, बस उसे इतना पता था कि उसे नदी के तट को फॉलो करते हुए सीधे चलते जाना है और इसीलिए लेखक ने इस किताब का नाम फॉलो द रिवर रखा। और उनके गायब हो जाने के बाद शॉनी योद्धाओं ने उन्हें खूब ढूंढा मगर आखिर में वो हार मान गए और उन्होंने ये सोचा कि शायद जंगल के खूंखार जानवरों ने उन्हें खा लिया है। और फ्रेंड्स, रास्ते भर में इन्हें भूख, जानवर और बारिश का सामना करना पड़ा और कई छोटी नदियों को पार करना पड़ा। चलते चलते वो बूढ़ी औरत इतनी थक गई कि वो हर मोड़ पर मैरी से कंप्लेन करती रहती, उसे कोसती रहती और उन दोनों में लड़ाई झगड़े भी हुए। मगर इस अनजान रास्ते और घने जंगल में दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था, वो दोनों ही बस एक दूसरे के साथी और सहारा थे और इसीलिए मैरी उसे मना बुझा कर आगे बढ़ती रही। मगर वो बूढ़ी औरत ग्रेटेल भूख नहीं बर्दाश्त कर सकी और पागल हो गई। एक दिन उसने मैरी को मारने की कोशिश की ताकि वो उसका मांस खा सके। बड़ी मुश्किल से मैरी किसी तरह अपनी जान बचाकर भागी और आखिरी के कुछ मीलों का सफर उसे अकेला ही तय करना पड़ा। उसके सफर का सबसे मुश्किल पड़ाव तब आया जब उसे नदी के पास खड़े लंबाई वाले पहाड़ों की चोटियों को चढ़कर पार करना पड़ा। ये तो बस इस औरत की हिम्मत थी और सर्वाइवल का जोश कि उसने खाली पेट, नंगे पांव, सर्दी में इन पहाड़ों की चोटियों को पार किया और अब तक मैरी ने करीब 1.5 महीना चलकर निकाला था। मगर कोई दिन उस पर इतना खतरनाक नहीं गुजरा जितना ये दिन था। उसने इन पहाड़ों की कई चोटियों पर चढ़ते उतरते पूरा दिन निकाला और शाम तक उसे पार करने के बाद वो थक कर जमीन पर पड़ गई। उसके पैर छील गए थे और खून बह रहा था और उसकी उंगलियां सर्दी में जम गई थी। उसने भगवान से बस सिर्फ इतनी दुआ की कि ए खुदा, अगर मैं जिंदा रहूं तो मुझे आज के जैसा मुश्किल दिन कभी मत दिखाना। और आखिरकार 42 दिनों का सफर तय करने के बाद वो अपने घर, अपने पति के पास लौट गई। किसी को ये यकीन नहीं हो रहा था कि वो 965 किलोमीटर पैदल चलकर आई है। सबको बहुत हैरानी हुई कि ये महिला ने इतना कठिनाइयों से भरा सफर कनाडा के सर्दी के मौसम में तय किया। मैरी और उन लोगों को भी हैरत हुई जब कुछ दिन बाद उन्होंने जंगल की ओर से एक बूढ़ी औरत को भटकते आते देखा। और बिल्कुल फ्रेंड्स, वो बूढ़ी औरत ग्रेटेल भी जिंदा उस जंगल से निकल आई। बट बाद में उसका
क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। इतिहास की किताबों में इस बारे में कुछ नहीं लिखा है, लेकिन वापस लौटने के बाद मेरी और उनके पति ड्रेपर्स मेडो छोड़कर रेडफोर्ड वर्जीनिया में बस गए और वहीं पर उन्होंने अपने कश्ती चलाने का कारोबार शुरू कर दिया। मेरी को बाद में 5 बच्चे हुए और 17 साल की उम्र में वो अपने बेटे थॉमस को ढूंढ कर वापस घर ले आई। मेरी का देहांत 83 ईयर्स की उम्र में हुआ 1815 में। और सच कहूं तो फ्रेंड्स, कुछ जगहों पर मुझे किताब पढ़ने में बहुत मुश्किल हो रही थी, क्योंकि मैं ये कल्पना भी नहीं कर पा रहा था कि कैसे इस औरत ने इतने तकलीफों और मुश्किल हालातों का सामना किया होगा और उनसे फिर भी जीत निकली। एक रीडर के तौर पर आप उसकी एक एक तकलीफ को महसूस कर सकते हो और उससे सहानुभूति कर सकते हो। ये वाकई में एक यादगार कहानी है एक ऐसी औरत की जिसने इतनी मुश्किलों का सामना करके भी हार नहीं मानी और हर अड़चन को पार करके उसने अपनी मंजिल हासिल कर ली। अब फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये कहानी सुनकर आपको भी बहुत हिम्मत मिली होगी कि अगर ये लेडी ये सब सह सकती है तो आपकी भी कैपेसिटी कितनी हो सकती है। जिंदगी की छोटी बड़ी मुश्किलों को बर्दाश्त करना क्या कोई हवा काम है? ऐसी हिम्मत वाली और कभी हार न मानने वाली औरत को मेरा सलाम। सो फ्रेंड्स, ये थी मैरी इंगल्स की कहानी जो कि एक सच्ची घटना है। बताइए ये आपको कैसी लगी, क्या इस स्टोरी ने आपको भी इंस्पायर किया है और क्या आप ऐसी ही कहानियां और भी सुनना चाहेंगे? नीचे कॉमेंट करके बिल्कुल बताना ये हमें फ्रेंड्स। ये थोड़ा सा नया टाइप का कॉन्टेंट है और उम्मीद है आपको ये पसंद आया और इससे नया कुछ जरूर सीखने मिला। अगर आपको ये पसंद आया तो एक लाइक बिल्कुल ठोकना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसे ही और रोमांचक और इंटरेस्टिंग वीडियोस कभी भी मिस ना कर सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।